आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भगवान राम ने वनवासियों के साथ अपना समय बिताया था और बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। त्रिवेंद्र रावत। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ ही अब भाजपा अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुकी है। साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। अपने सीएम कार्यकाल के 4th साल पूरा करने की दहलीज पर उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से त्रिवेंद्र भाजपा में मानो साइडलाइन थे, लेकिन अब उन्हें भाजपा ने हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया की बातों का जवाब देते हुए कहा, इन 3 सालों के बीच में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उन्होंने कहा, भगवान राम ने वनवासियों के साथ अपना समय बिताया था और बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। हम वनवास तो ऐसा हो गया कि लोग आप थोड़ी देर के लिए आंखें नाराज हो जाएंगे तो बोले वनवास से आ गए क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि एक कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में मैं देश लूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस को अलविदा कर दिया है। राजेंद्र भंडारी ने आज दिल्ली में भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल राजेंद्र भंडारी ने भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को विधानसभा चुनाव में हराया था। महेंद्र भट्ट इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि जिस सीट से इस्तीफा देकर राजेंद्र भंडारी ने भाजपा में शामिल हुए हैं, उसी सीट पर भाजपा उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि लोगों की प्रधानमंत्री जी में आस्था है, इसलिए लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, देश के अंदर जो भी विभिन्न दलों में अच्छे अच्छे लोग हैं और जो कहीं ना कहीं विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो देश के अच्छे लोग सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे और बद्रीनाथ क्षेत्र के विधायक, उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके विकसित भारत के संकल्प में अपनी आहुति देने का संकल्प लिया है। तो निश्चित रूप से उनका फैसला हम स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार से जो लोग भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत के संकल्प के लिए और जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है, उसमें अपनी आहुति देना चाहते हैं, उन सबका हम भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।